राजीव गुप्ता को वैश्य सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने पर प्रथम नगर आगमन पर बधाई देने वालों का लगातार था। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में राजीव गुप्ता को वैश्य सेना का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर प्रथम नगर आगमन पर समर्थकों ने किया है फूलमाला व प्रतीक चिन्ह भेंट कर जोशीला स्वागत। आपको बता दें कि अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का रविवार को प्रतापगढ़ में अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर के वैश्य प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, पूर्व मंत्री बदायूं से विधायक महेश चंद्र गुप्ता, विधायक आदि गणमान्य लोग अधिवेशन में शामिल हुए। अधिवेशन में सभी अतिथियों ने अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के वैश्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राजीव गुप्ता को निर्विरोध घोषित किया। इसकी घोषणा रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि असली रीढ़ की हड्डी वैश्य समाज ही है। वहीं आज शिकोहाबाद में नगर में प्रथम आगमन पर सुबह से ही नगर के होटल ग्रीन पार्क एवं उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही दूरदराज के लोग भी अपनी अपनी गाड़ियों से आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूलमाला व शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह आदि भेंट कर बड़े ही जोरदार तरीके से स्वागत सम्मान किया। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि समाज का अस्तित्व बनाए रखने को एकजुट रहना ही होगा। वह हर हाल में समाज की सुरक्षा संरक्षण के लिए तन मन और धन से पीछे नहीं हटेंगे। अब कोई भी वैश्य समाज का शोषण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। पूरा समाज एक था और एक ही रहेगा। वहीं वैश्य समाज को शहरी नहीं बल्कि गांव गली तक मजबूत करने की बात कही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी का आभार प्रकट किया। इस मौके पर स्वागत सम्मान के दौरान पूर्व मंत्री विवेक अग्रवाल, ब्लॉक प्रमुख कमलेश राजपूत, राजकुमार अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, अरुण गुप्ता, आस मोहम्मद, रविंद्र सिंह यादव सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पत्रकार बंधुओं को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई। कल प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का सम्मेलन था, राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन था, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता जी ने हमारे फिरोजाबाद शिकोहाबाद निवासी वैश्य सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी को सर्वसम्मति से वैश्य सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया। देखिए, प्रदेश से लेके राष्ट्र का सफर कोई इजी सफर नहीं होता। इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत होती है और आज राजीव गुप्ता जी को जो राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी गई है तो कहीं ना कहीं राजीव गुप्ता जी का कार्य क्षेत्र भी बढ़ा है। इनको पहले से ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि कल राजीव गुप्ता जी प्रदेश में थे, आज राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन पीछे उनके कार्य को महत्व को व्यक्ति नहीं देख पाता। वैसे तो राजीव गुप्ता जी हमेशा हर समाज हर व्यक्ति की तन मन धन हर तरह से जो भी मदद हो सकती है करते हैं। और जब से राजीव गुप्ता जी अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद में आए हैं तब से वैश्य एकता परिषद को कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पर अच्छे शिखर तक उन्होंने अपनी मेहनत के स्तर से पहुंचाने का काम किया है। आज उसी स्तर पर उसी उनकी मेहनत के कार्यों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से उनको वैश्य सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया है। मैं राजीव गुप्ता जी को अपनी और अपने संगठन की ओर से हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और साथ ही अपने सुमंत गुप्ता डॉक्टर राज सुमंत गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का कार्य किया जो व्यक्ति वास्तव में हर तरह से लोगों की मदद करने का काम। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का एक पदाधिकारियों का सम्मेलन था। वहां मुझे इन्वाइट किया था माननीय सुमंत गुप्ता जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। वहां मुझे, मैं पहले प्रदेश अध्यक्ष वैश्य सेना का था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इतनी बड़ी मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उनकी जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। वधु सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधु सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।